बीवी के साथ, गर्लफ्रेंडों के साथ, ये कितनी औरतों ने मुझे मैसेज करके बोला हमको जूस में पिला के हमारे साथ को कम करते हुए वीडियो निकाल लिए, हमें ब्लैकमेल करता है, ये सारी जिंदगी बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। ये पुलिस वालों, मैं तो कहती हूँ एक केस तो डंका, इससे सबूत निकलवा लो। आप लोगों में है ताकत, कानून की ताकत है, उसकी बातों में आके आप लोग एक ओशिवारा पुलिस स्टेशन एक दो फोन निकाल नहीं पाए इससे। मैसूर आई फील सैड। मैसूर की भी पुलिस आपको बहुत सपोर्ट कर रही है। मैसूर की पुलिस बहुत सपोर्ट कर रही है, मैसूर के एमएलएस, कॉरपोरेटर, मैसूर के लोग, धन्यवाद कहना चाहूंगी। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनको धन्यवाद कहना। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि राखी सावंत और आदिल दुरानी केस में जो है वो फ़िलहाल कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत, पुख्ता कोई प्रूफ ऐसा हासिल नहीं हुआ है जिसके बेस पे जो है वो आदिल दुरानी को मतलब कस्टडी में या फिर जेल में डाला जाए या फिर जो कुछ भी है उसको सज़ा दिलवाई जाए। और राखी सावंत ने जो है वो मुंबई पुलिस को, जो पोशेवारा पुलिस है उसको फटकार लगाते हुए कहा है कि आप लोगों से जो है वो मतलब एक दो मोबाइल तक जो है वो आदिल दुरानी से नहीं निकलवाए गए। और राखी सावंत ने ये भी बताया है कि किस तरीके से जो है वो आदिल दुरानी लड़कियों को जूस में मतलब दवाई वगैरह, नशे की दवाई डाल के या फिर किस तरह से उनके साथ जो है वो कुकर्म करता था। बहुत सारे लड़कियों के मैसेज, औरतों के मैसेज जो हैं वो राखी सावंत को आए हैं, राखी सावंत ने ऐसा बताया है। और राखी सावंत जो है वो बॉम्बे पुलिस से बहुत ही ज़्यादा निराश है कि वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, आदिल दुरानी से कोई पूछताछ अच्छे से नहीं कर पा रही है या फिर उनके जो मोबाइल हैं जिनमें हो सकता है कि कुछ प्रूफ मिल जाएं वो भी पुलिस ने अभी तक अपने उसमें गिरफ्त में नहीं लिए हैं। और इसके अलावा जो है वो राखी सावंत ये भी बता रही हैं कि जो मैसूर पुलिस है वो उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और जो मैसूर के लोग हैं वो भी राखी सावंत को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आप सबका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर